તમે સૌ નગર ફરીથી બરાબર બજાર હેલ્પલાઇનમાં ત્યારે જ તમે જુઓ આજના દિવસમાં કન્સોલિડેશનનો જ માહોલ સૌથી વધારે જ્યાં દબાણ બનતું દેખાઈ રહ્યું છે મિડકેપ છે 17,884 ના લેવલ્સ મિડકેપ ફ્રન્ટ પર આપણને બનતા દેખાઈ રહ્યા છે. મિડકેપમાં એક કાઉન્ટર હતું ભારત ફોર્સ કંપની બધાના રિઝલ્ટ પોસ્ટ કર્યા જેના લીધે સ્ટોકમાં એક રિએક્શન આવતું જોયું હતું, બોનસ પણ ઇસ્યુ કર્યા હતા. એક વ્યૂ કોશ ભારત ફોર્જ ઉપર. ભારત ફોર્સમાં અદિતિ મને લાગે છે શોર્ટ ટર્મ અને મીડિયમ ટર્મ ચોક્કસ બાય કરી શકાય. રિઝલ્ટ હેઝ બીન ફાર બેટર દેન એક્સપેક્ટેડ અને ગ્રોથ પણ જો તો સારો છે. જયારે બીજી બધી કંપનીઝ ઓટો સેક્ટરમાં થોડું વીકમાં આપે વીક આપે છે નંબર્સ, તો ક્યાંક ભારત ફોર્સમાં મને લાગે છે હજુ પણ અહીંથી ખરીદારી કરી શકાય. 1150 સ્ટોપ લોસ હોય ઓન ધી અપસાઇડ. શોર્ટ ટર્મમાં 1220-1240 અને મીડિયમ ટર્મ એટલે કે 1-2 મંથમાં વી કુડ ઇવન સી 1380 ના લેવલ. ત્યારે જ બીએલએસ ઇન્ટરનેશનલે પરિણામ જાહેર કર્યા છે અને પરિણામ ખૂબ જ સારા રહ્યા છે. તેના પર વધુ ચર્ચા કરવા કંપનીના મેનેજમેન્ટ જોઈન્ટ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શિખર અગ્રવાલ જોડાઈ રહ્યા છે. શિખર ગુડ મોર્નિંગ. સબસે પહેલા તો ધન્યવાદ હમારે લિયે આજ સમય નિકાલને કે લિયે. સમજના ચાહેંગે આપકી યે ક્વાર્ટર કાફી અચ્છા રહા. રેવન્યુ મેં 57% કા જમ્પ હૈ. એબિટા માર્જિન્સ ઇમ્પ્રૂવ સબસ્ટેન્શિયલી 11.5 સે 22.2% પે. મેં નંબર્સ દેખ રહા હું. क्या कारण रहा है इतनी बड़ी इम्प्रूवमेंट का? ये स्पेन का जो ऑर्डर है उसकी रेवेन्यू आना शुरू हो गई है, पंजाब का जो ऑर्डर है उसकी रेवेन्यू भी एडअप हो रही है, किस तरह से ये रिजल्ट्स अच्छे हुए इतने? बिल्कुल बिल्कुल, ये क्वार्टर हमारे लिए आई थिंक बहुत ही शानदार रहा है. हमने इस क्वार्टर 57% ग्रोथ करी है इनकम लेवल पे और हम लोगों ने 467% ग्रोथ करी है एबिटा लेवल पे. हमारा नेट प्रॉफिट भी बहुत ग्रो हो गया है 300% से, क्योंकि इसके बहुत कारण रहे हैं. एक तो हमारे जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसमें हम लोगों ने काफी एफिशिएंसी इंक्रीज करी है, हमारी मैनेजमेंट काफी लीन हो गई, तो उससे हमारे प्रॉफिट काफी बढ़े हैं. और स्पेन और पंजाब के आने से हम लोगों का ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो एक तरीके से 10 times बढ़ गया है. तो इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे इस बार के क्वार्टर के नंबर्स में बहुत ज्यादा अच्छी रही है और आगे जाते हुए मेरे को लगता है स्पेन और पंजाब के नंबर और बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे काफी नए कॉन्ट्रैक्ट हैं. हमने 6 महीने ही हुए हैं जिनको स्टार्ट करे हुए, तो आगे जाकर हमारी इंडस्ट्री के अंदर एफिशिएंसी बढ़ती रहती है, तो हम लोग देखेंगे रेवेन्यू पर एप्लीकेशन बहुत बढ़ेगा. हम लोगों के इस समय विश्व में 2320 ऑफिस हो गए हैं. हम मोर देन 60 कंट्री में प्रेजेंट हैं और हम 30 क्लाइंट गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं. हाँ जी जी बिल्कुल सर. इसके अलावा मार्जिन पे मैं एक बात, हेलो आवाज आ रही है सर आपको मेरी? सर मार्जिन फ्रंट पे काफी अच्छा प्रदर्शन होते हुए हम लोग देख पाए हैं, इतने मार्जिन मेंटेन होते हुए देख पाएंगे? और ऑर्डर पाइपलाइन कैसी है, आने वाले समय में कितना लाइनअप होते हुए देख पाएंगे हम लोग? देखिए हम लोग आगे की स्टेटमेंट तो देना नहीं चाहते, पर अगर हमारे यहाँ पास्ट को देखें तो हमारी जो एबिटा मार्जिन है और प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी अच्छी तरह इंक्रीज हो रहे हैं आगे जाके, क्योंकि मेरी एफिशिएंसी बढ़ रही है. तो डेफिनेटली अगर पास्ट को आप देखिए तो फ्यूचर भी हम लोग चाहेंगे वैसा ही रहे और हम लोग कोशिश जरूर कर रहे हैं. अगले 2 साल में हमारे स्पेन जीतने के बाद हम एलिजिबल हो गए हैं सारे यूरोपियन यूनियन के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, जो अगले 2 सालों में सारे टेंडर पे आ रहे हैं, जिनके लिए हमने बहुत तेजी से काम चालू कर दिया है. और हमें लगता है हम लोग स्पेन जैसे कई कॉन्ट्रैक्ट अगले 2 सालों में इंटरनेशनल तादाद पे ले पाएंगे. उसी तरह हम लोग पंजाब को इम्प्लीमेंट करने के बाद इंडिया में काफी स्टेट्स. हाँ जी जी शिखर, ये समझना चाहेंगे आपने यूरोपियन मार्केट कितना बड़ा आपको लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप काफी बुलिश साउंड कर रहे हो कि 2 साल में काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल पे भी आ सकते हैं, तो कितना बड़ा ये मार्केट होगा? क्योंकि आप जिस तरह से बोल रहे हैं आपका जो स्पेन का बिजनेस है उसने रेवेन्यू को इतना बूस्टअप दिया है, तो यूरोपियन मार्केट की साइज क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसका कितना मार्केट चंक आप आने वाले 2 साल में कैप्चर कर सकते हैं? सर अभी जैसे हम खाली 2 करोड़ एप्लीकेशन साल में प्रोसेस करने के लिए आगे चालू कर दिया है हमने. अब हमें लगता है जो हमने अभी खाली 30 गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं और लगभग वो दुनिया में 100 से ज्यादा गवर्नमेंट अभी आउटसोर्स करना चालू कर रही हैं और ये नंबर खाली बढ़ता जा रहा है जब तक सारी गवर्नमेंट आउटसोर्स नहीं कर देती. तो यूरोपियन यूनियन में कम से कम 20 से 25 गवर्नमेंट अभी इस समय आउटसोर्स कर रही है और जो हमारी इंडस्ट्री में जिसमें खाली 3 से 4 प्लेयर हैं पूरे ग्लोबल में और जिसमें इंडियन कंपनी खाली बीएलएस इंटरनेशनल ही है. तो हमें लगता है अगले 2 साल में जिस तरह से हम चल रहे हैं, जिस तरह से हम उनको दे रहे हैं सर्विस, हम लोग इजिली 2 से 4 गवर्नमेंट को अपना काम चालू करके आगे जाकर और हमारे नंबर बढ़ेंगे ही.
जी बिल्कुल। इसके अलावा सर जैसे आप बता रहे थे काफी ज्यादा, इनफैक्ट अगर बात करें हम लोग ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से तो यूरोपियन यूनियन की जैसे आपने बात की काफी अच्छा ग्रोथ देखने मिल सकता है। FY18 की अगर बात करें तो अगर कोई नंबर्स आप शेयर कर पाए तो आप क्या टारगेट कर रहे हैं? मैडम आगे के नंबर्स तो हम टारगेट को ही नहीं बता सकते कि हम लिस्टेड कंपनी है, पर पीछे का पास देखते हुए हमें लगता है 2-3 साल से जो हम ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री छू रहे हैं हम आगे जाकर उसको ही मेंटेन करेंगे या उससे ज्यादा हम बहुत मेहनत कर रहे हैं अचीव करने के लिए, क्योंकि हम लोग सर्विस अच्छी दे रहे हैं तो हमें लगता है गवर्नमेंट का काम की कोई कमी नहीं है और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं आजकल पूरे तादाद में, जिनको गवर्नमेंट को कंपनियों की जरूरत है जो उनके लिए ढंग से हैंडल कर पाए वीजा का काम। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये कंप्लीट डिटेल्स रिसर्च को लेकर हमारे साथ इवेल्युएट करने के लिए। ત્યારે જે આપણે સ્ટોક પર રિએક્શન જોઈ રહ્યા છીએ 18% મજબૂતાઈ સાથે કામકાજ કરતો, ઇનફેક્ટ કંપનીના પ્રોફિટમાં એક જબરજસ્ત ઉછાળો આવતો આપણને દેખાયો છે, લગભગ 29 કરોડ પર આવતો કંપનીના પ્રોફિટ 7 કરોડ થી। જગદીશજી કોઈ પણ ફંડામેન્ટલ વ્યૂ આની પર બનતો અહીંયા આગળ રોકાણની શક્યતા દેખાઈ રહી છે લોંગ ટર્મ પર્સપેક્ટિવ થી પોઝિટિવ? આજે જ આપણે જોયું કે જે ગઈકાલે બંધ હતો 183 રૂપિયા ને લગભગ 95 પૈસા એટલે 84 રૂપિયાની સામે આજે સવારે 193.35 જોયો રિઝલ્ટ ના જે એબિટા માર્જિન છે એ લોકોના પ્રોફિટ છે, પણ તમે એનું જે ટર્નઓવર જોશો તો તમે એની પ્રીવિયસ ક્વાર્ટર સાથે સરખામણી કરો તો તમને માત્ર 1-2 કરોડનો જ વધારો દેખાય છે। અર્થાત કે ક્યાં તો એ લોકોના ઇકોનોમી ડ્રાઈવ હોય કંપનીની અંદર, એ તમે એના એબિટા માર્જિન અને પ્રોફિટ માર્જિનમાં જે લગભગ 22% વધારો છે એ બહુ સરપ્રાઇઝિંગ છે, અને એટલા સેમ રેવન્યુ પર આટલો એ લોકોનો પ્રોફિટ આવ્યો છે એટલે કોઈ કોઈ જગ્યાએ બીજી કોઈ કે લોકોને કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ વસ્તુ હોઈ શકે, પણ જે રીતે અત્યારે કમેન્ટરી સાંભળી જોતા એવું લાગે છે કે 52-week high જે લગભગ 221 રૂપિયા એ લોકોનો ભાવ પડ્યો છે એ 94 થી એની જર્ની શરૂ થઈને એટલી થઈ છે, ચોક્કસ આ જોતા યુ કેન ડેફિનેટલી ઇન્વેસ્ટ વિથ અ સ્ટોપ લોસ ઓફ 170 રૂપીઝ। ઓકે આવ્યું આવી રહ્યો છે, એક વેરી ક્વિકલી સિમ્ફોનીના રિઝલ્ટ જોઈ લો, રિઝલ્ટ ખાસ સાહેબ આપ જોશો તો વીક છે, નફો 24 કરોડ પર છે, 31 કરોડ સવારે 25% દબાણ, આવકમાં 15% છે, એબિટા અડધો થઈ ગયો 39 કરોડ 39 કરોડની સામે 20 કરોડનો આંકડો છે, એબિટા માર્જિન 15% 25.6% ની સામે।